डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट थर्ड, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत शीत युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, यह किन साधनों द्वारा लड़ा जाता है और इसके लक्षण कौन कौन से हैं, इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। शीत युद्ध शब्द द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण रूप से उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में मात्र दो महाशक्तियां रह गई, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों के आपसी संबंध को अभिव्यक्त करने के लिए एक शब्द यूज़ किया गया जिसे शीत युद्ध या कोल्ड वार कहा जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि वार है तो फिर कोल्ड क्यों, हॉट वार नहीं? उष्ण युद्ध या हॉट वार वह होता है जो हथियारों और गोले बारूद आदि से लड़ा जाता है, जबकि शीत युद्ध में गोले बारूद आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें वैचारिक घृणा, अविश्वास, कूटनीतिक जोड़तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी आदि के आधार पर यह लड़ा जाता है और इसमें एक दूसरे के दुष्प्रचार पर बल दिया जाता है। यह एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक युद्ध है। शीत युद्ध शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 16 अप्रैल 1947 को एम ब्रूच ने किया। उन्होंने बताया कि शीत युद्ध युद्ध न होते हुए भी युद्ध की परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति की दृष्टि से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका के आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें दोनों शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखते थे। शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था। इसमें एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। यह एक प्रकार का वाक युद्ध था। वाक युद्ध होता है बोलकर लड़ा जाने वाला या प्रचार द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध। इसमें कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार के साधनों के माध्यम से लड़ा जाता था। इस प्रकार शीत युद्ध के साधनों की जब हम चर्चा करें तो शीत युद्ध का महत्वपूर्ण साधन है एक दूसरे के प्रति घृणित प्रचार। एक महाशक्ति द्वारा दूसरी महाशक्ति के प्रति घृणित प्रचार करना और कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, ये सभी प्रचार के साधन हैं। इसके अतिरिक्त सैनिक प्रतिस्पर्धा भी शीत युद्ध का एक साधन है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी शीत युद्ध का एक साधन कहा जा सकता है। इसके अलावा जासूसी, एक दूसरे के देशों में जासूसी के माध्यम से हस्तक्षेप, कूटनीति आदि भी शीत युद्ध के महत्वपूर्ण साधन हैं। अगर हम संक्षेप में कहें तो शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1945 के बाद विश्व की दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मनोवैज्ञानिक युद्ध था जो गोले बारूद के आधार पर ना लड़ा जाकर मनोवैज्ञानिक युद्ध के रूप में प्रचारात्मक साधनों द्वारा लड़ा गया।
यूं तो अनेक विचारकों ने शीत युद्ध को परिभाषित किया है, जैसे डॉक्टर एमएस राजन ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जॉन फॉस्टर डलेस ने, ग्रीव्स, केपीएस मैनन आदि। केपीएस मैनन द्वारा परिभाषित शीत युद्ध का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। केपीएस मैनन ने कहा है कि शीत युद्ध दो विचारधाराओं का, दो पद्धतियों का, दो गुटों का, दो राज्यों का, दो व्यक्तियों के मध्य, दो पद्धतियों के मध्य और दो गुटों के मध्य, दो गुट थे नाटो और वारसा पैक्ट, दो राज्यों के मध्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो राज्य थे, और दो व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन और जॉन फॉस्टर डलेस, इनके मध्य लड़ा गया। शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं था, अपितु युद्ध का वातावरण था। पंडित नेहरू ने शीत युद्ध को निलंबित मृत्युदंड के वातावरण, निलंबित मृत्युदंड के वातावरण की संज्ञा दी। अगर हम शीत युद्ध के लक्षणों पर चर्चा करें तो वो शीत युद्ध के कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। शीत युद्ध दो सिद्धांतों का ही नहीं अपितु दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। शीत युद्ध में प्रचार के साधन का महत्व था, क्योंकि यह एक वाक युद्ध था, यह बोलकर लड़ा जाने वाला युद्ध था, दुष्प्रचार के माध्यम से लड़ा जाने वाला युद्ध था, यह एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष था। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप और सैनिक संधियों तथा प्रादेशिक संगठनों की, प्रादेशिक संगठन जैसे नाटो, वारसा पैक्ट आदि की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रही। दोनों गुटों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को शीत युद्ध कहा गया। यह शीत युद्ध गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष था, मनों में निरंतर चलने वाला संघर्ष था। इसमें दुष्प्रचार और वैचारिक मनोमाल्य अधिक था, यानी वैचारिक संघर्ष और वैचारिक विद्वेष बहुत अधिक था। इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को स्थान देने वाला युद्ध कहा गया। इस प्रकार यदि हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो शीत युद्ध दोनों महाशक्तियों के मध्य, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति थी। यह गोले बारूद हथियारों से लड़े जाने वाला उष्ण युद्ध ना होकर दुष्प्रचार, सैनिक हस्तक्षेप, जासूसी और प्रादेशिक संगठनों का निर्माण करके लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध की संज्ञा दी गई, क्योंकि यह गोले बारूद और हथियारों से नहीं लड़ा गया, ये विचारों से, घृणित प्रचार से, मनोवैज्ञानिक संघर्ष से, वैचारिक विद्वेष से आदि से लड़ा गया। इसके प्रमुख साधन, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दुष्प्रचार, जासूसी, कूटनीति, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियों का निर्माण, सैनिक प्रतिस्पर्धा आदि थे। इस प्रकार यदि हम नपे तुले शब्दों में कहें तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लड़ा जाने वाला मनोवैज्ञानिक संघर्ष है, जो कि तनावपूर्ण संबंधों की अभिव्यक्ति है।
इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन यह शीत है। युद्ध गोले बारूद और हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा, इसलिए इसे उष्ण युद्ध ना कहा जाकर शीत युद्ध कहा गया। अगले वीडियो में हम शीत युद्ध के कारणों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, उन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।